Hello and good morning, student. How are you all? I hope कि आप सब fine हो. Standard 5, subject Hindi. Welcome to James International School, student. तो ready हो study के लिए. तो start now. Open your workbook. Workbook पे पेज नंबर 118 ओपन कीजिए और पुनरावर्तन 4 कर खोलिए. आज हम पहले बात करेंगे कि अपनी टेक्स्ट बुक में सारे चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गए हैं, अपना कोर्स यहाँ पे ख़त्म हो गया है. ओके, तो आई होप कि आपकी वर्कबुक और CW कंप्लीट होगी स्टूडेंट, है ना. अगर कंप्लीट नहीं है तो प्लीज़ कंप्लीट करिए. और अगले वीडियो में मैंने आपको पुनरावर्तन 4 लिखवाया था. अगर आपने नहीं लिखा है तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ. अगर नहीं लिखा है तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट खींचकर या स्टॉप करके आप लिख लीजिएगा. ओके, फिर उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं. ये चित्र है, चित्र का हमें पैराग्राफ बनाना है जो सामने वाले पेज में लिखा हुआ है. फिर क्वेश्चन 5 ओनली हमें रीडिंग करना है. टर्न योर पेज. क्वेश्चन 6. तो ये अगले वीडियो में मैंने यहाँ तक आपको कंप्लीट करवाया था. आज हम उसके नीचे देखिए स्व अध्ययन लिखा हुआ है. स्व अध्ययन मीन्स क्या होता है कि अपने को खुद करने का. ओके, ये अपना वर्क खुद करें. तो मैं भी आपको थोड़ा बहुत समझा देती हूँ इसमें. तो कोष्टक 1 है कि भाई सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए. तो फर्स्ट नंबर है कि बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है. तो ये किसने कहा था? तो सरदार ने कहा था, डाकू ने कहा था, अब्दुल कादिर की माँ ने कहा था कि अब्दुल कलाम ने कहा था. तो ये अब्दुल कादिर की माँ ने कहा था. तो ये आंसर आपको यहाँ पे बॉक्स में लिखना है. फिर सामने वाले पेज पे 2 नंबर देखिए. लोगों को किसने समझाया कि घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालो? मोहन ने, अजय ने, अध्यापक ने या अध्यापक अजय की माता ने? तो अध्यापक ने. 3 नंबर है, सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है, ऐसा किसने कहा? तो फूलगोभी ने, बंद गोभी ने, बैंगन ने या आलू ने? तो आलू ने. सबको गले लगाना हमें किसने सिखाया है? दूध तथा पानी ने, कि हवा के झोंकों ने, कि सूरज की किरणों ने, या फिर लता और पेड़ों ने? तो लता और पेड़ों ने. मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा कि रोज बरसो, ऐसा कौन बोलता है? बिल्लू, महिमा, लोग के सभी बच्चे. कौन बोलता है? तो बिल्लू बोलता है. तो ये सभी करेक्ट आंसर है जो आपको यहाँ पे बॉक्स में लिखने हैं. अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या करोगे तो राइट, और क्या नहीं करोगे तो हमें रॉन्ग का चिन्ह बनाना है. तो देखिए यहाँ पे ये लड़की है जो पेड़ उगा रही है. तो ये कैसी बात है? अच्छी है, पेड़ उगाना चाहिए तो राइट. फिर पक्षियों का शिकार नहीं करना चाहिए तो रॉन्ग. पेड़ हमें काटने नहीं चाहिए तो रॉन्ग. हमें पेड़ पौधों को पानी पिलाना चाहिए तो राइट. हमें कचरा डस्टबिन में ही डालना चाहिए तो भी राइट. पानी वेस्ट जा रहा हो और ये गंदगी कर रहा है तो ये हमें नहीं करना चाहिए तो रॉन्ग. फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि नीचे बने वर्ग में निर्देश के अनुसार हर खाने को पूरा कीजिए. अब आपको क्या करना है देखिए, यहाँ पे सब बॉक्स दिए गए हैं. तो इसके बॉक्स में हमें क्या करना है तो यहाँ पे पीछे दिया हुआ है देखिए आप कि भाई देखो, पहले खाने में अपना नाम लिखिए. तो फिर से पेज घुमाइए. यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर का खाना है बॉक्स से. यहाँ पे अपना नाम लिखना है, जैसे कि आपका खाना वंश है तो यहाँ पे लिखो वंश. आपका नाम देवयंशी है तो यहाँ पे लिखो देवयंशी. आपका नाम अभिजीत है तो आप लिखिए अभिजीत. ओके, आपका जो भी नाम है यहाँ पे आपको लिखना है. ओके, फिर सेकेंड नंबर
देखो कि आठवें खाने में एक मछली बनाइए, तो ये ऊपर आठवां खाना है, तो यहाँ पे आपको मछली ड्राइंग करनी है। फिर छठे खाने में पीला रंग भरिए, तो आगे छः नंबर का बॉक्स है, छठा खाना है, वहाँ पे आपको पीला रंग भरना है। फिर से देखिए कि क्या है, दूसरे खाने में एक पक्षी बनाइए, तो दूसरे खाने में ये खाना है दूसरा नंबर का, यहाँ पे आपको एक पक्षी का चित्र बनाना है। फिर सातवें खाने में लाल रंग का फूल बनाइए, तो अब यहाँ पे ऊपर देखो सातवां नंबर का खाना है, यहाँ पे कोई भी फूल ड्रॉ करके उसमें आपको लाल रंग भरना है। नौवें खाने में एक पेड़ बनाइए, तो ये नौ नंबर का खाना है, यहाँ पे आपको एक पेड़ बनाना है, ड्राइंग करना है। फिर पांचवें खाने में जल के लिए दो शब्द लिखिए, तो अब जल के लिए क्या सो शब्द लिखेंगे, पेन स्टार्ट कीजिए, तो यहाँ ये फाइव नंबर का खाना है। तो जल का मतलब जल को क्या कहते हैं, तो जल को हम पानी भी कहते हैं और नीर भी कहते हैं, तो यहाँ पे लिखिए आप पानी और नीर, लिख लीजिए आप स्टूडेंट, लिख लीजिए पानी और नीर। फिर आगे देखिए कि चौथे खाने में सूर्य बनाइए, क्या लिखा है, चौथे खाने में सूर्य बनाइए, तो ये चार नंबर का खाना है, यहाँ पे आपको सूर्य बना के आपको ड्रॉ करना है। फिर तीसरे खाने में चांद का समानार्थ शब्द लिखना है, तो चांद को हम क्या कहते हैं, चांद को हम सोम कहते हैं, तो यहाँ पे लिखना है सोम। ओके, तो ये आपको खुद से करना है स्टूडेंट, मैंने आपको एक्सप्लेन करवा दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर फोर में कि निम्नलिखित कविता पर आधारित चित्र बनाइए और उसे एक सुंदर शीर्षक दीजिए, तो पहले हम कविता रीडिंग करते हैं कि नदिया की धारा से सीखो बाधा उसे लड़ना, फूलों की मुस्कान से सीखो कांटों में भी खिलना, सूरज की किरणों से सीखो तपकर जीवन देना, बहती हुई हवा से सीखो कभी न राह में रुकना, वीरों के बलिदान से सीखो देश प्रेम ही मरना। तो देखिए आपको यहाँ पे मैं आपको एक ड्राइंग दिखाती हूँ, वो ड्राइंग आपको यहाँ पे ऐसे बॉक्स में ड्राइंग बनानी है। देखिए यहाँ पे आप बॉक्स देख सकते हो, ऐसे ड्राइंग आपको यहाँ पे आपके वर्कबुक में ड्रॉ करना है। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपनी वर्कबुक में ड्रॉ कर देना। ओके, फिर सामने वाले पेज भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है जो हमें खुद से करना है। ओके, फिर यहाँ पे ये भी हमारा अध्ययन भी खत्म होता है, उसके बाद हम आदर्श प्रश्न पत्र देखते हैं। तो ये हमें प्रश्न पत्र लिखना है, कैसे लिख रहे हैं कि आज हम ओनली फॉर क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ही लिखेंगे। मैं आपको रीड करके बताती हूँ कि इसके आंसर क्या होंगे, आपको खुद से घर पे लिखना है और लर्न भी साथ में करना है, क्योंकि अब रिविज़न स्टार्ट कर दिया है हमने, तो एग्ज़ाम के लिए हमें लर्न करके रखना है। ओके, आई होप स्टूडेंट कि आप घर पे रहकर लर्न करिएगा। ओके, तो फिर फर्स्ट नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, तो हरे रंग की सब्जियों के नाम लिखिए, तो अब हरे रंग की सब्जियों कौन सी होती है, तो करेला, कंकोड़ा और मेथी की भाजी, ठीक है। फिर बहुत सारी हरी सब्जियां होती है ना, सब सब्जियों के नाम लिख सकते हो। सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है, तो सूरज की किरणों से हमें सबको प्रकाश फैलाना ऐसी सीख मिलती है। फिर अब्दुल कादिर की माँ ने उसे क्या सीख दी थी, तो हमेशा सच बोलना। जमीन खोदने के लिए बच्चे कौन कौन से साधन लाए, तो फावड़ा, कुदाल, ये तपेला, ठीक है, ये सब साधन लाए। अजय के मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी, क्योंकि अजय के मोहल्ले वाले अपने गलियों में, अपने ही आंगन में कचरा डालते थे, ठीक है, इसलिए अजय के मोहल्लों में गंदगी फैली हुई थी। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको आपके होमवर्क में, आपकी CW में लिखना है और लर्न भी साथ में करना है। फिर ये लिखिए कि निम्नलिखित विषयों के किसी एक विषय के बारे में 10 वाक्य लिखिए, तो आपको ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी दिनचर्या, मेरा गांव और नदी, ये तीनों के बारे में आपको दिखा रही हूँ, तो आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, फिर आपको लर्न करना है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट कि पहले मेरा परिवार,
तो मेरा परिवार में लिखिए कि मेरा नाम ऋत्विक है, मतलब कि आपका जो भी नाम है वो लिखना है। मेरे पिताजी का नाम राकेश भाई है, आपके पिताजी का नाम जो भी यहाँ पे लिखना है। मेरे पिताजी अध्यापक है, आपके पिताजी जो भी कर दे उसका लिखना है। मेरी माताजी पढ़ी लिखी है, वह गृहिणी है। मेरी एक बहन है, वह सातवीं कक्षा में पढ़ती है। मेरा एक भाई है, वह दसवीं कक्षा में पढ़ता है। ओके, मेरे दादा भी पढ़े लिखे है, मेरी दादी अनपढ़ है। मेरे दादा मुझे अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं, दादी मुझे लोरी सुनाती है, और हमारा परिवार सुखी परिवार है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी फेरफार करना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ओके, तो पहले तो ये हुआ मेरा परिवार, फिर हम सब्जी मंडी देखते हैं। सब्जी मंडी में देखिए कि भाई सब्जी मंडी में सब्जियाँ बिकती है। सब्जी मंडी में सब्जी की कई दुकानें हैं, कोई ठेले में भी सब्जियां बेचता है, तो कोई ज़मीन पर भी छोना करके सब्जियां बेचता है। सब्जी मंडी में आलू, गाजर, मूली जैसी के अंदर होने वाली सब्जियां बिकती है। कद्दू, तोरई, कंदरू, सोम आदि बेलों पर होने वाली सब्जियां बिकती है। भिंडी, टमाटर, बैंगन जैसी पौधों पर लगने वाली सब्जियां भी बिकती है। तो सब्जी मंडी में कोलाहल ज़्यादा होता है और सब्जी मंडी में स्त्रियाँ ज़्यादा नज़र आती है। तो आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फिर ये वीडियो में से स्टॉप करके आप लिख सकते हो। फिर मेरी प्रिय सब्जी, तो आपको जो भी सब्जी अच्छी लगे उसके बारे में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आपको आश्चर्य होगा कि परंतु मेरी प्रिय सब्जी क्या है, करेला है। वह स्वाद में कड़वा होता है, वह रंग रूप में भी कोई विशेष नहीं है, लेकिन उसके गुण अनेक है। वह गोल या गोल होता है, उसके दोनों छोर नुकीले होते हैं, उसका रंग हरा होता है। वह बुखार जैसी बीमारियों को ठीक करता है, पेट में कृमि भी नष्ट कर देते हैं, और मधुप्रमेह में करेला बेजोड़ औषधि है, और करेला मुझे बहुत प्रिय है। यहाँ पे आपको सब्जी कोई सी भी, जैसे कि आलू है, भिंडी है, लौकी है, जो भी आपको पसंद है उसके बारे में आपको लिखना है। ओके, तो आज हम इतना ही करवाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट मैं आपको क्वेश्चन 3 से करवाऊँगी। तब तक के लिए आप अपने CW में ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 लिख लीजिएगा, और साथ में लर्न भी करना है। ओके, टेक केयर स्टूडेंट, बाय।